All right, my favorite people in the house. So I deny Rick Singh. Digital Perry Bonner. Jack आज का जो हमारा व्लॉग है अगर आप यू नो घर बैठे बैठे वही कैरम वही चेस और ये सब गेमें खेल के बोर हो गए तो रिकी's got some new games. रिकी आपके साथ खेलेगा अगर इफ यू आर बोर्ड फॉलो रिकी के बोर्ड गेम्स क्योंकि हमारे बोर्ड गेम्स हैं BORD. हाँ जी रिकी सिंह का बोर्ड गेम्स का गेम नंबर 1 ये बचपन में आप उसको चिप्पी बोलते होंगे हमारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं हॉप स्कॉच ऐसे कुछ तो बोलते हैं उसको आपको क्या करना है ऐसे आपको एक टाइल पे फेंकना है लेवल 1 एक टाइल पे ऐसे फेंकना है एक टाइल से आगे चला गया फिर उसको आपको ऐसे ऐसे करना है और फिर उठा लेना है फिर अगर आपको लेवल बढ़ाना है तो आप दो टाइल पे फेंक सकते हैं फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं और याद रखिए इस गेम के लेवल्स बढ़ाने के लिए आप घर के अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं जैसे बेबी अगर कांदा टमाटर लाई है वो फेंक सकते हैं आप यू नो आपके लास्ट ईयर का अप्रेजल लेटर वगैरह फेंक सकते हैं हाँ बेबी सब कुछ फैला के सामान मेरे को तंग करता है अभी क्या कूद कूद के सारी बिल्डिंग को तंग करेगा हाँ बेबी रिकी थोड़ा कूद रहा है थोड़ा अभी मेरे खेलने कूदने की उम्र भी तो है याद रखो बेबी ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स रिकी अ डल बॉय अ डल आर्टिस्ट और डल आर्टिस्ट यार बिल्कुल मतलब मेरे गाने शाने सही से नहीं बनेंगे मैं थोड़ा गाने में ये नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा Alright, अगर आपको लगता है ये पत्थर उछाल के मैं वापस पकड़ने वाला हूँ तो दैट इज नॉट द गेम दैट रिकी इज टेलिंग इन हिज बोर्ड गेम का व्लॉग आई टेल यू अगर आप बोर्ड हैं आप पत्थरों से खेल सकते हैं लेकिन आपको कम से कम ऐसे 4-5 पत्थर लगेंगे आपको पत्थरों के साथ हाइड एंड सीख खेलना है मतलब ऐसा नहीं कि आप छुपोगे और पत्थर डैन देगा क्योंकि पत्थर आपको ढूंढ नहीं सकता है हेलो यू डिडंट नो दैट रिकी ने आपको बताया आपको ये पत्थर अलग अलग जगह छुपाने आप कहीं भी छुपा सकते हैं अपने ऑफिस के यू नो फ्रेंड के ऑफिस के ड्रॉअर में अपने बेबे की जो है यू नो खाने के डब्बों में जिसमें वो अनाज रखती हैं किसी यू नो फ्रेंड की बनियान में कहीं भी आप रख सकते हैं सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है गेम का आपको पहले ही बता दूं कि जब उनको ये पत्थर मिलेंगे हो सकता है वो आपसे गुस्सा हो जाएं आपको गालियां दें आपके नाम से आपको ना बुलाएं आपको अब शब्द बोले रिकी के साथ बहुत होता है रिकी इज इम्यून टू दैट मैं पागल यस बेबे ये क्या सब जगह पत्थर 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 कर दिए मैं वही सोच रही हूं घर में पत्थर कहां से आ रहे और एक पत्थर मिला ना तेरे खाने पत्थर डाल दूंगी मैं अरे बेबे रिकी कई बार ये गेम है ना बिना पत्थर के खेल लेता है क्योंकि कई लोगों ने बोला है रिकी तेरा दिल ही पत्थर का है रिकी इज जीरो टू इमोशंस ये हमारा जो गेम है इसमें मतलब पूरी दुनिया इन्वॉल्व है क्या है ना आपको एक लिस्ट बनानी है पहले आप पेन पेपर लीजिए या तो आपके दिमाग में ऐसा मेमोरी कार्ड हो जैसे रिकी का है आप सारे वो अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए जिनको आप मिस कर रहे हैं जो हो सकता है आपको भी मिस कर रहे हो बिकॉज दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू तो है ना आप सारी लिस्ट बनाइए जैसे अभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं रहमान साहब हो गए विशाल शेखर हो गए मतलब जिन्हें भी ना बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सबके नाम तो नहीं लूंगा मैं वो भी मेरे को मिस करते हैं तो मैं क्या करता हूँ फिर उनको एक एक करके कॉल करना शुरू करता हूँ लेकिन यहाँ पर रिकी का ट्विस्ट है रिकी का बोर्ड गेम ये है कि आपको जो है उनसे एक्चुअली बात नहीं करनी आपको उनको बताना ना कि आप उनको मिस कर रहे हो आप मिस कॉल दोगे आप उठाओगे ऐसे बात की जैसे उन्होंने उठाने की कोशिश की फोन काट दिया ये आपके टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करता है क्योंकि क्या जब वो फोन करेंगे आप मत उठाओ आप फोन करेंगे वो नहीं उठाएंगे तो दोनों पार्टीज को पता चलता रहेगा कि वो एक दूसरे को मिस कर रहे हैं एक नंबर को फोन आ रहा है हेलो अरे बेबे अभी तो बाहर मिले थे अच्छा ये हो रहा है तेरा सबको मिस कॉल दिया कर तेरा फोन पूरा दिन बिजी रहता है इससे तो मेरा फोन नहीं उठाता अभी अगले महीने मैंने तेरे फोन का बिल नहीं भरना है खेल दे रहे ना मिस कॉल बेबे फोन बिल ऐसा नहीं करना प्लीज पे कर देना और वैसे भी रिकी का फोन इसलिए बिजी आ रहा है क्योंकि अभी रिकी के 16 वीडियोस आने वाले हैं ना तो सारे गानों की शूटिंग तो डिस्कस करनी पड़ेगी उसमें से एक तो ऐसा है जिसमें रिकी का बाथटब दिखाने वाले हैं नहीं वो टाइलों का वीडियो है बाथरूम का रिकी बाथटब में नहीं होने वाला है आप गलत नहीं समझा करो वैसे यार बेबे बात करता हूँ मैं थोड़ी देर में आप आलू मेथी बनाओ यार वैसे आपको एक बात बता दूं ऐसे टाइम पे ना किसी से माइंड गेम्स नहीं खेलनी चाहिए और खुद के साथ तो बिल्कुल भी नहीं याद रखिए ऐसे टाइम पे सब बोर हो रहे हैं तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो बहुत सारे गेम्स हैं जो आप ऑनलाइन वगैरह खेल सकते हैं रिकी के गेम्स पसंद आए तो वो खेल सकते हैं कोई ऐसे मतलब प्यार मोहब्बत वाले दूर दूर से गेम्स खेल सकते हैं ये याद रखिए और हमेशा अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए
और ये थोड़ा टाइम हमको और निकालना है वो भी कर लेंगे और रिकी आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ बताता रहेगा बिकॉज रिकी को उसी के लिए रखा है यार। रिकी सिंह का वर्ल्ड काउंटडाउन फ्राइडे शाम को 5 बजे संडे रात को 9 बजे स्टार्ट में ही आपको बोला था। प्लस भूले नहीं कि रिकी हर हफ्ते ऐसा एक व्लॉग करता है कभी कभी सेलेब्स के साथ भी कर लेता है। इट्स @RJRickySinghRedFMIndia। मेरे जाने का समय मैं जा रहा हूँ और एक व्लॉग लेके अगले हफ्ते लौटूंगा। तब तक के लिए रिकी आउट। पीस आउट। वो बजाते रहो।